एक समय था जब पूरे विश्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली की धूम थी, काफी विश्व विख्यात थी। देश विदेश से लोग भारत की यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ, जो पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। मैं बात कर रहा हूँ जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में उसकी मान्यता थी, विख्यात थी। यहाँ पर कई जो देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ पर शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या भी दी जाती थी। अब उसी के पैटर्न पर एनसीईआरटी ने भी एक अपनी सिफारिशें दी हैं। एनसीईआरटी के पैनल ने एक सिफारिश की है कि जितने भी विषय हैं उनके पाठ्यक्रमों में अब इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली को उसमें लाया जाए। इसको लेकर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को उन्होंने दी हैं, और साथ ही जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी रिकमेंडेशंस इस पैनल ने दी हैं। और कई जो इसने अपने पैनल में बात की है कि जैसे भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है यहाँ पर शास्त्रों के बारे में बताया जाता था, शस्त्र विद्या भी दिखाई जाती थी, सिखाई जाती थी, और जितने भी इसके पाठ्यक्रम हैं उनमें बदलाव की भी उन्होंने बात की है। और प्राचीन इतिहास, हमेशा जब भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एनिशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है, उसकी जगह शास्त्रीय इतिहास, जिसका सबसे ज़्यादा मूल्य है हमारे भारत में, हमारे इतिहास में, शास्त्रों में, उसको पढ़ाने के लिए विषयों में, उन पाठ्यक्रमों में उनको लाने के लिए ये सिफारिशें इस समय एनसीईआरटी ने की हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन ने अपना एक ग्रुप बनाया है, इंडिया ब्लॉक, अगर इस तरह की बात होती है तो उसको लेकर एक बड़ा झटका जो है इंडिया अलायंस को होगा, जिन्होंने इंडिया अलायंस करके विपक्षी दलों का एक ग्रुप बनाया। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको लेकर अब एक बड़ी पहल की और रिकमेंडेशंस की है कि वो भारत शब्द का इस्तेमाल करें, और इंडिया शब्द जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उन्हें निकालकर भारत शब्द का इसमें इस्तेमाल किया जाए। एक बड़ी खबर एनसीईआरटी की तरफ से कि भारत शब्द जो है पाठ्यक्रमों में उसका इस्तेमाल हो।